हेलो झारखंड के तहत बड़े घोटाले। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की अच्छी सोच के तहत खेलो झारखंड का आयोजन हुआ है। सभी बच्चे इसमें भाग भी ले रहे हैं ताकि झारखंड से बढ़कर एक प्रतिभा देश के लिए खेल सके। इसके लिए खेलो झारखंड का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड के अधिकारियों की सोच इतनी घटिया है कि लाखों रुपये के आयोजन में पूरी तरह से घोटाला किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और शिक्षा कर्मियों की भारी लापरवाही के कारण खेलो झारखंड में बच्चों को शाम के 4 बजे के बाद भोजन मिला है। आइए जानते हैं और दिखाते हैं पूरी सच्चाई आप सभी को। आज है मैं इटखोरी के हाई स्कूल में। यहाँ देख सकते हैं कि प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड का प्रतियोगिता चल रहा है और काफ़ी बच्चे यहाँ पे करीबन 500 बच्चे लमसम होंगे और सभी इस खेल में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पे बता दें कि प्रखंड से ना कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, ना यहाँ पर अभी तक बच्चों के लिए पीने के पानी का व्यवस्था हो चुका है और ना किसी तरह का टेंट का व्यवस्था है और ना कुछ खाने की व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं सरकार की जितने भी पैसे आते हैं, फंडिंग आते हैं, वो कहाँ जाते हैं वो आप खुद सोचनी है। अभी हम कुछ बच्चों से जानकारी लेंगे। करीबन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 4 बजने वाला है और 4 बजे तक अभी तक ना तो किसी बच्चों को खाने के लिए कुछ मिला है, ना किसी तरह के यहाँ टेंट की व्यवस्था। आप देख सकते हैं बच्चे जो सच बोलने वाले होते हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ वो डर रहे थोड़ा सा कि हमें कहीं कैमरे के सामने ना आना पड़े। लेकिन मैं सच्चाई आप सभी के सामने लाऊंगा और कुछ बच्चे जो इसमें सबसे तेज होते हैं, जो बोल सकते हैं कैमरे के सामने, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सच्चाई आकर बताएं कि आप लोग कब से यहाँ पे खेल रहे हैं और कब से यहाँ खेल रहे हैं। 8 बजे यहाँ पे अभी टेंट का व्यवस्था है? नहीं। खाने के लिए आप लोगों को कुछ मिला? नहीं। व्यवस्था यहाँ पे हुआ, यहाँ की तरफ पानी भी खत्म हो गया। कितना बजने को, अभी कितना बजने वाला है? यानी कि देख सकते हैं 4 बजने वाला है और बच्चों को अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला है। और यहाँ सरकार, हमारे झारखंड सरकार बोल रहे हैं खेलो बच्चों और बढ़ो बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं किसी तरह की यहाँ विधि व्यवस्था नहीं है पूरी तरह से। और यहाँ जब मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ तो सर यहाँ जबरदस्ती यहाँ खेलने के लिए बुला रहे हैं और सर कुछ इसके बारे में अभी तक बता नहीं रहे हैं। सर जी, 4 बजने को अभी तक बच्चे को खाना क्यों नहीं मिला? वो तो मेहरा जी ला रहे हैं। मेहरा जी कब तक आएंगे? वो तो वही बताएंगे मेहरा। मतलब कितना बजे तक खाना आएगा ये तो वही बताएंगे। कुछ कल कितने बजे खाना दिया था बच्चों को? 4 बजे। और अभी 4 से प्लस होने वाला अभी तक खाना नहीं दिया। देख सकते हैं कि यहाँ पे अधिकारी भी जो है वो भी पलड़ा काट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं, यानी कि पैसे को गलत उपयोग किया जा रहा है, बच्चों तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, मैं कैमरे से दिखा रहा हूँ, टेंट की व्यवस्था नहीं है, ना बच्चों को किसी तरह के खाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। कुछ नहीं मिला। यहाँ पे टेंट का व्यवस्था आप लोगों के लिए? नहीं। मतलब कितना बजने को अभी? और अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं। बोलो। एक बॉक्स भी नहीं है यहाँ पे। एक लड़की खेलते टाइम घायल हो गई, लेकिन उसको ये सब कुछ नहीं आ जाया। है फर्स्ट एड की व्यवस्था तो है। कहाँ है सर? यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट बोल रहे हैं अभी चोटिल हुए। कल था कि नहीं? अभी क्या हम बात कर रहे हैं सरकार, हमने नहीं देखा, चला गया था। आप चिकित्सा प्रभारी को दिए थे? अगर है तो है। चिकित्सा प्रभारी को नोटिस दिए थे? हाँ, चिट्ठी में है। चिट्ठी में अब दिए उनको? जसवाल जी को दिए हैं? मैंने हॉस्पिटल गया हुआ है। हॉस्पिटल गया हुआ है। खाना इतना लेट से क्यों आया सर, इसके बारे में बता दे थोड़ा। दो बात, थोड़ा सा पैकिंग करने में लेट हो गया। साढ़े तीन नहीं बजा हुआ सर, बच्चों सबको घड़ी देखने आती है। कितने बजे हुए हैं? 4 बजने वाली है सर। ठीक है, थोड़ा सा वो सवाल देखिए, मेडल उडल थोड़ा सरियाने वरियाने में भी टाइम लग गया ना, और क्या करें सर, बिना पैसा का कर दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं, क्या करें? बिना पैसा का नहीं करवाना चाहिए सर। करवाना तो नहीं चाहिए था, जिला का चिट्ठी था कि 13 से जिला में। ठीक है ना, तो क्या करें बताइए आप।